दोस्तों स्पीडो मैच जो कवर करने वाले प्राइम मिनिस्टर्स 11 वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो कि मैच खेला जाएगा, मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये मैच न्यूजीलैंड का है और ये ना टेस्ट मैच है। तो मैं फिर से यही करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट अगर बहुत कम करता, हालांकि सुबह का पहला मैच रहेगा, 5 बजे रहेगा, टेस्ट मैचेस को बेस्ट मैचेस कहा जाता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर अब मैं यही प्रेफर करूँगा कि आप लोग इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना के बराबर करें। इन सभी मैचेस से अच्छा है कल सबसे बेस्ट मैच रहेगा, कल आप एक ही मैच खेलो लेकिन सबसे बेस्ट खेलो, और वो मैच है अपने इंडिया टीम का, इंडिया वुमेन टीम का, और भी वुमेन मैच है कल। तो आप इस मैच के लिए एक्साइटेड रहना, बहुत से लोगों ने डिमांड किया था इस मैच के लिए, मैं इसलिए इस मैच को कवर कर रहा हूँ, अदरवाइज में नहीं कवर करता। हालांकि अपना बेस्ट ही देंगे, लेकिन प्लीज़ आप इन्वेस्टमेंट लिमिट में ही कीजिएगा। सबसे पहले काम करो, 5 बजे मैच स्टार्ट हो जाएगा, आपको सबसे पहले आप यकीन मानो मुझसे पहले टीम आपको कोई नहीं देता होगा। तो सबसे पहले काम करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ पे फाइनल टीम सबसे पहले आपको मिल जाता है। मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँ, उस पर टैप करके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो टेलीग्राम चाहे जो से ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सर्च करने का मन करे तो सिंपली टेलीग्राम के सर्च वाले जाकर सर्च भी कर सकते हो, लेकिन सर्च करने से बहुत सारे फेक भी आएंगे, तो आप सर्च करना चाहो तो सर्च भी कर सकते हो। यूजर नेम है @11team, बिना स्पेस देखे सर्च करो @11team, @11team, तो चैनल आपको देखने को मिल जाएगा। जहाँ अभी के टाइम 41,500 से ज़्यादा लोग, 41,500 से ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर रखे, जहाँ पर लोग डेली बिल कर रहे हैं, 41,000 से ज़्यादा लोग हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, फेक नहीं, ऑफिशियल ज्वाइन कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में लिंक पिन है, लिंक 100% का आपका है, फाइनलिटी आपको यहीं पे सबसे पहले शेयर कर देता हूँ, तो जरूर से ज्वाइन कर लेना, फेक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, फेक मत कीजिएगा। 41,000 से ज़्यादा लोग है, 41,000 से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रखे। कमेंट सेक्शन के लिंक से ज़्यादा बेटर रहेगा, कमेंट बॉक्स के लिए 100% काम करता है। तो अभी जो इंपॉर्टेंट चीज़ को हम कवर अप करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट में नहीं करूँगा, मैं कोई स्टार्स पर टीम नहीं दूंगा, स्किल वेस्ट पर टीम दूंगा, ठीक है, मैं आपको पहले बोल दे रहा हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं। तो ये जो मैच है अपने इंडिया टाइम के हिसाब से सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाता है, आप लोग एक्जैक्टली 4:30 बजे अपने इंडिया टाइम के हिसाब से एक्टिव रहना, ठीक है। हालांकि इस समय मैं एकदम फ्री रहूँगा क्योंकि वीडियोस वगैरह शूट करूँगा वुमेन मैच की, तो 4 बजे आप लोग एक्जैक्टली एक्टिव रहना, 4:30 बजे उठ जाना, मैं उठ जाऊँगा, मेरी टेंशन बनता हूँ। अगर आप खेल रहे मैच तो जोर से उठ जाना, कोई खराब मैचेस नहीं, ग्रैली वगैरह टारगेट कर सकते। ये मैच 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक मैच चलेगा, क्योंकि टेस्ट मैच है तो चलेगा 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा बात करते हैं और लोकल टाइम, लोकल टाइम भी बता देता हूँ, ये लोकल टाइम 10 बजे, जिस समय अपने इंडिया में 5 बजे रहेंगे ना, उस समय कैनबरा में ये मैच कैनबरा में खेला जाएगा, उस समय वहाँ पर 10 बजे रहेंगे, लोकल टाइम 10 बजे है, और ये वेन्यू है मनुका ओवल, कैनबरा में मैच खेला जाएगा। अगर बात करते हैं ये जो विकेट है मनुका ओवल का, ये कैसा विकेट है, तो ये जो मनुका ओवल का जो विकेट है ये बैटिंग फ्रेंडली भी बॉलिंग फ्रेंडली, यानी कि न्यूट्रल विकेट है भाई, न्यूट्रल विकेट, यानी कि सेफ टीम आपको बना के चलते चल रहा है, बैलेंस टीम है, बैलेंस विकेट है। तो मान के चलिए आपको एक ठीक ठाक इनिंग देखने को मिलेगा, प्लस विकेट्स भी गिरेंगे, हालांकि फिर भी पाकिस्तान फेवरेट हो सकती है, लेकिन आप इनको कम नहीं समझ सकते, न्यूजीलैंड को भले प्राइम मिनिस्टर 11 की टीम हो, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी टीम है। प्राइम मिनिस्टर 11 की बात करें तो इनमें सारे आपको सीनियर प्लेयर से देखने मिले, आप कोई भी आप इसमें से देख लो, कोई भी ऐसा प्लेयर जिसका नाम आप पहली बार सुन रहे हो खुद से देखो, वो बात अलग है। सॉरी ऑस्ट्रेलिया का ना यार, मैं न्यूजीलैंड का बोल दिया था, सॉरी, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का है, मैं तो सॉरी मतलब यार ध्यान ही नहीं था बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया का है कैमरन बैनकॉफ, जो कि टीम दस ओपन करेंगे मार्कर हेज के साथ। आपको पता है कैमरन बैनकॉफ अभी रिसेंटली काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया वनडे कप में काफ़ी अच्छे फॉर्म में चल रहे थे। मार्कर हेज जो कि लास्ट आई थिंक 2-3 सालों से इनका फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, बट ये तगड़े हिटिंग करने वाला प्लेयर है। मैट रेनशो जो कि टीम दस वर्ना बैटिंग करेगा, हर कोई जानते हैं मैट रेनशो के बारे में। कैमरन गेन फोना बैटिंग करेगा टीम दस से, और साथ ही साथ बॉलिंग भी करेंगे। जिमी पेटसन जो कि विकेट कीपिंग करेंगे, नैथन मैक्स जो कि अवेलेबल है, नैथन मैकड्यू जो कि टीम दस से अवेलेबल है, उसके अलावा माइकल रिशर भी अवेलेबल है, व्योन वेबस्टर भी अवेलेबल है, मार्क स्टिकेट भी अवेलेबल है, टॉन मोरिफे भी अवेलेबल है। तो ये है प्राइम मिनिस्टर 11 का लाइनअप, जो कि ऑस्ट्रेलिया का लाइनअप मुझे बहुत परफेक्ट लगा भाई, सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, हालांकि इनके ज़्यादा इन्फॉर्म प्लेयर्स तो नहीं है, बट बहुत तगड़ी टीम है भाई, फिर भी ये देखो बहुत तगड़ी टीम है, भले उतने सीनियर प्लेयर्स नहीं है बट टीम तगड़ी है भाई। तो ये देख लो प्राइम मिनिस्टर्स 11 का अब लाइनअप्स, ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर्स का। उसके अलावा पाकिस्तान की बात करें जो कि ऑफिशियल टीम है, ओपन करेंगे सैन मसूद ओपन करेंगे, अब्दुल्ला साफी के साथ ओपन किया, हो सकता है इनके जगह पे ओपनिंग के लिए इमाम उल्लक भी आए, जो कि ऑब्वियस बात यही होगा। अगर सर लेमिन वनडा बैटिंग दिखाओ, लेकिन मिडलऑर्डर बैटिंग करेगा अवेलेबल है, बाबर आजम वनडा बैटिंग करेगा टीम तरफ से। भैया तबीयत सही नहीं चल रहा, बट फिर वीडियो शूट करो भाई, बहुत भले एक वजह से शूट करता रहता वीडियो, 1 बजे रात से। उसके बाद छोड़ो वो सब चीज़ें, फाइव मसरा भी अवेलेबल है, हसन अली भी अवेलेबल, इमाम उल्लक भी अवेलेबल, मीर हमजा भी अवेलेबल, मोहम्मद रिजवान भी अवेलेबल है, मोहम्मद वासी भी है, साइन अफरीदी भी है। तो ये है पाकिस्तान का लाइन जो कि भी मुझे परफेक्ट लगा, ये घर पर से अवेलेबल बैटिंग, और तो वही सबको याद ही है कि साइन मसूद ओपन करेंगे टीम से, इमाम उल्लक के साथ वर्नर, बाबर आजम, फोन अब्दुल्ला, ये सब तो सबको पता है चीज़ें, ये चीज़ में ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है।
इंजरी अपडेट्स की बात तो दोनों टीम से एकदम सभी प्लेयर्स फिट है, फाइन है, कोई भी इंजरी न्यूज नहीं अभी तक आया है। उसके लिए हम बात करते हैं टॉप बैटर पिक रहेंगे बाबर आजम, जो कि आपके लिए टॉप बैटर पिक रहे क्योंकि बहुत टेक्निकली साउंड प्लेयर है, प्लस एक अनफॉर्म और मतलब इनफॉर्म और साथ ही साथ काफ़ी जबरदस्त बैटिंग भी करते हैं। तो बाबर आजम से तो सबको पता ही है। टॉप ऑलराउंडर है माइकल निशर रहेंगे टीम से, देखो माइकल निशर अच्छी बैटिंग भी करते हैं और बॉलिंग से तो आउटस्टैंडिंग वाला परफॉर्मेंस देते हैं। टॉप बॉलर टॉड मुरफे, जो कि टीम से इनका परफॉर्मेंस हमेशा से आउटस्टैंडिंग रहा है। टॉड मुरफे बस इतना ही, स्टार्ट इतना मैटर नहीं करता, प्लेइंग नहीं, मैं देखो टीम बना भाई, मैं पर्सनली स्टार्ट से दूर ही रहता हूँ भाई, पर्सनली स्टार्ट मुझे बहुत बेकार लगता है यार। एंड बात करते प्लेयर वाइज सेंस देखिए टीम जो से टीम है ना फाइव टी वाई पर शेयर कर दूँगा 41,500 से ज़्यादा जब तक आओगे मे भी 42,000 लोग हो जाएंगे। तो आप भी ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन जाओ, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। तो टेलीग्राम चाहे यूज से ज्वाइन कर, 15-20 मिनट पहले फाइनल टीम और कुछ भी चेंज हुआ टेलीग्राम पर सबसे मिलता रहेगा अपडेट टाइम टू टाइम। तो टेलीग्राम चाहे यूज से ज्वाइन कर लेना और मैं एक्टिव रहूँगा उस समय, मेरी टेंशन मतलब ऑस्ट्रेलिया गाइड है ध्यान रखना, जो इंपॉर्टेंट है उसको कवर कवर करते हैं। लेकिन देखो इस मैच इन्वेस्टमेंट अगर ना करके अगर इस मैच इन्वेस्टमेंट तो ये भी अच्छा रहेगा, लेकिन वो भाई वुमेन मैच की बात कर दिन की शुरुआत इसलिए मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि इस समय में फालतू का एक्टिव मतलब एक्टिव रहूँगा, इससे अच्छा मैं सोचता हूँ कवर कर ही लेते हैं क्योंकि इस समय मैं फ्री बैठा रहूँगा। बात करें विकेट कीपर सेक्शन की, उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक से मोटिवेशन मिलता है, प्लीज वीडियो जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर, ऑल पर सेट आने वाले वीडियो से सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिलता है। वैसे ऐसे मैचेस कोई नहीं कवर करता बट यार हम लोग कवर करते, तो प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जूस लाइक कर देना और चैनल जूस से सब्सक्राइब करिए, बहुत ज्यादा मोटिवेशन तगड़ा मिलता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब जूस से कर लेना। तो सिंपल सा बात है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ उसी को मैं कवर अप करूँगा, कोई भी फालतू प्लेस नहीं, टेस्ट मैच है उस हिसाब से टीम बना रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं करना। सरफराज अहमद मे भी अवेलेबल हो सकती है इस मैच के लिए, लेकिन मैं प्रीफर करूँगा मोहम्मद रिजवान के साथ जाओ, हालांकि अगर रिजवान नहीं खेलेगी तो सरफराज अहमद खेलेगी, लेकिन लाइनअप से नाम है अभी मोहम्मद रिजवान के पास और विकेट कीपिंग भी मोहम्मद रिजवान करेगी। जिमी पिट्स और रिसेंटली अच्छे फॉर्म में जाते बट मोहम्मद रिजवान की बात ही अलग है भाई। उसके अलावा बाबर अजम इंपॉर्टेंट रहेगा, सैन मसूद अच्छा रहेगा, मैड्रिसन फॉर्म बल्लेबाज है, कैमरन बैनकोट अभी फॉर्म में चल रहे थे, इमामुल्ला का फॉर्म उसी की तरह खराब चल रहा है, मोहम्मद हरीस का भी फॉर्म बहुत खराब चल रहा है, अब्दुल्ला अवेलेबल है इस मैच के लिए, सैयद शकील अवेलेबल नहीं है, सैम भी अवेलेबल नहीं है बट ये अब्दुल्ला अवेलेबल है। तो चाहो तो फिफ्थ प्लेयर पिक कर सकते हो इमामुल्ला के, मोहम्मद हरीस अब्दुल्ला इनफॉर्म प्लेयर भाई। उसके अलावा कैमरन गेन इंपॉर्टेंट है, माइकल निशर इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों सीबीसी भी कर सकते हो, आगा सेलमेंट काफ़ी अच्छी बैटिंग भी करता है प्लस बॉलिंग भी करना जानता है, अच्छा प्लेयर है, प्योर वेबस्टर भी टीम तो से। उसके अलावा फहीम अशरफ भी अवेलेबल इस मैच है, तो आप चाहो तो फहीम अशरफ को भी कवर कर सकते हो क्योंकि ये लेजेंड है भाई, लेजेंड है भाई ये पाकिस्तान का। नैथन मैक्सू भी अवेलेबल है, कवर करेंगे फिर रुक जाओ। उस साइड अफरीदी इंपॉर्टेंट है, टॉड मुरफे इंपॉर्टेंट है, हसन अली जबरदस्त है बॉलिंग करता है, नैथन मैकडी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे तो 11 प्लेयर, अब आपको डिपेंड करता है कहाँ से प्लेयर चाहिए क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि आप 11 प्लेयर्स ले सकते हैं भाई, यही ध्यान रखना। बट मेरे पास जो प्लेयर्स अवेलेबल है मुझे ये सब प्लेयर चाहिए, जैसे कि बैटिंग से मुझे चाहिए तो इमामुल्लाह बट मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, तो इमामुल्लाह नहीं चाहिए मुझे, अगर सलेमन कवर करने में से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट किस पे साइंस फहीम अशरफ पे भाई, फहीम अशरफ आपको मिडल बैटिंग भी करके दे देगा, वो बॉलिंग भी तगड़ी करता है, या फिर आप हसन अली के साथ जा सकते हैं, फिर मोहम्मद वासिम के साथ, मोहम्मद वासिम ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करता है, आपको बैटिंग बैकअप चाहिए तो आप मार्कस टिकट के साथ जा सकते हो। फिलहाल के लिए मैं जा रहा हूँ अपनी टीम में मोहम्मद वासिम के साथ, जो कि बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, हालांकि लेजेंड है हसन अली और फहीम अशरफ, मेरे कोई भी फाइनल टीम में हसन अली या फिर फहीम अशरफ को जोर से पिक करूँगा, ये इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कैप्टन से बात करें तो मैं एज ए कैप्टन वाली टीम प्रीफर करूँगा, देखो मेरी टीम उतनी सेफ तो कभी नहीं रहती जितना आप सोच रहे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नैथन मैकडियो, नैथन मैक्सियो में भी अच्छा ऑप्शन है टीम से, नैथन मैक्सियो को कवर करके चलो यार, क्योंकि बंदा कैप्टनसी करे तो देखो ना बॉलिंग भी करेगा, देखो सीखता बैटिंग लिखा गया है प्लस टीम से बॉलिंग भी करेगा टीम से पूरे ओवर, और बियोन वेबस्टर को भी कवर कर, तो मैं फिलहाल के लिए टॉन मुरफे को तो ड्रॉप नहीं कर सकता बट इन में से किसी एक को ड्रॉप करके नैथन मैक्सियो को पिक करूंगा, जिस प्रकार से कैमरन बैनकॉफ्ट की ड्रॉप करने की, क्योंकि कैमरन बैनकॉफ्ट हालांकि तगड़ा हिटिंग करता है अभी फॉर्म में चल रहा था बट फिर भी मेरे हिसाब से ड्रॉप करने में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, तो कैमरन बैनकॉफ्ट को मैं ड्रॉप कर रहा हूँ हालांकि फॉर्म में चल रहा था बट यह क्या है कि टेस्ट मैच है तो नैथन मैक्सियो बैटिंग भी करने आएगा प्लस कैप्टनसी कर रहा है इस बार, तो इसलिए पिक करके चलो बेटी में। हालांकि बियोन वेबस्टर अगर इनसे पहले बैटिंग तो काफ़ी अच्छे ऑप्शन है, ऐसे तो बियोन वेबस्टर अच्छे प्लेयर है टीम से। कैप्टन से बात करें तो अपने टीम में आप तो नैथन मैक्सियो को भी कर सकते थे बट मेरे हिसाब से कैमरन गेन से अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका हाइट आप देखिए, वो इसका क्या हाइट है मतलब जबरदस्त, मतलब इनका हाइट्स में मतलब कि आउटस्टैंडिंग हाइट, मतलब परफॉर्मेंस में भी रहता है आउटस्टैंडिंग वाला, जबरदस्त है। कैप्टन जाओ, वाइस कैप्टन माइकल निशर के साथ जाओ या फिर बाबर आजम के साथ, वाइस कैप्टन बाबर आजम के साथ जा रहा हूँ बट आप चाहो तो मैट रेंस हो, माइकल निशर, साइंस अफरीदी या फिर नैथन मैक्सियो या फिर नैथन मैकडेव, इन सब में से किसी को ट्राई कर सकते हो, मैट रेंस हो भी अच्छी लगी वाइस कैप्टन या फिर सैन मसूद। टेस्ट मैचेस थोड़ा इमीडिएट इंडस्ट करना, क्या है कि बाबर इनफॉर्म प्लेयर है और फॉर्म में भी चल भी रहा है, इसलिए मैं अपनी टीम में एज अपना वाइस कैप्टन जा रहा हूँ, और कैप्टन फिक्स है कैप्टन, क्योंकि उससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा नहीं,
इतना ऊंचा प्लेयर है पता है आपको, मतलब जबरदस्त है बॉलिंग करता है कैमरॉन गेल, और साथ बैटिंग भी करेगा, टेस्ट मैच है तो टेंशन की कोई बात ही नहीं है। सेम डे कॉन्टेस्ट बुक कर दो सेम टीम के साथ, टीम परफेक्ट है, आप ग्रैली वगैरह खेलें, लेकिन ये जो टीम हेड टू हेड्स लेके आप 100 मेंबर्स तक यूज़ कर सकते हो। अगर आपको यूज़ करना है तो हेड टू हेड्स लेके 100 मेंबर्स तक यूज़ कर दो, सेम डे कॉन्टेस्ट बुक कर दो सेम टीम के साथ जाके इन्वेस्टमेंट करो। एज ए कैप्टन अपनी टीम में गया हूँ कैमरॉन गेल के साथ, वाइस कैप्टन बाबर आजम के साथ, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है अपनी टीम में, टीम परफेक्ट है, मैच परफेक्ट है, जाके बस इन्वेस्टमेंट कर दो। लेकिन कोशिश करना कि ना के बराबर करें, सिर्फ मजे के लिए खेलेंगे, लिमिट में कीजिएगा, ज़्यादा बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। मुझे मैच उतना भी स्पेशल कुछ खास बस इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि मैं 5 बजे बिल्कुल फ्री रहूँगा, तो सोचा कि कवर कर ही लेते भाई। बाकी प्लेयर्स सब बोले कि बड़े मस्त है। हाँ ग्रैली वगैरह टारगेट कर सकते हो, ग्रैली टीम में आप कैप्टन मैट रेंसो को, सैन मसूद को, इन दोनों को ट्राई कर सकते हो, और साइंस अफरीदी और साथ ही साथ माइकल रिचर्ड को ट्राई कर सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छे ऑप्शन है सीवीसी के लिए। तो ग्रैली वगैरह टारगेट कीजिएगा, काफ़ी अच्छे रहेंगे आपके लिए। सेफ्टी क्वार्टर्स बुक कर दो, और भी टीम प्लेयर्स अवेलेबल जैसे कि हसन अली साइंस, वो हसन अली के बाद वो फाइव वो यार कैमरन बैनक्रॉफ्ट, और साथ ही साथ जो इनके जो प्लेयर्स हैं जैसे कि फाइव मशरफ, ये काफ़ी ज़बरदस्त है। फाइव मशरफ को फाइव टीम में कवर कर सकता हूँ, आगा सलेमन को, इन दोनों में से किसी एक को जू से कवर, जैसे जहाँ से फाइव मशरफ के मिलता हूँ टेलियम पे। अभी कॉन्टेस्ट अभी के हिसाब से बहुत परफेक्ट टीम है। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लो, कमेंट बॉक्स से लिंक उस पर टैप करके ज्वाइन कर लेना। बाकी वीडियो देखने आपसे दिल से धन्यवाद। और हाँ, गिव विनर्स कमांड अभी ट्रांसफर कर देते, पूरा दिन बिजी था यार, मैं सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेते क्योंकि बहुत दिन से सोया भी नहीं हुई, 1-2 घंटे टाइम मिलता है बस, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। बहुत एफर्ट्स लगता है, ऐसा नहीं कि एकदम एक दिन में हो जाता है भाई, बहुत एफर्ट्स लगता है। तो वीडियो को जूस लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना।